सनी देओल की हालिया रिलीज फिल्म गदर 2 भले ही सिल्वर स्क्रीन पर सफलता के झंडे गाड़ रही है, लेकिन वे ये फिल्म नहीं करना चाहते थे। इस बात का खुलासा खुद सनी ने मंगलवार को इंदौर में किया। उन्होंने कहा कि गदर 2 को बनाने में 22 साल इसलिए लग गए क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत फिल्म को छेड़ना नहीं चाहता था। अभिनेता और पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद सनी देओल फिल्म के प्रमोशन के लिए ही इंदौर पहुंचे थे। फिल्म में भारत पाक के राजनीतिक संबंधों का भी जिक्र है, लेकिन मीडिया से चर्चा के दौरान सनी ने राजनीतिक सवालों से दूरी बनाए रखी। दोनों देशों के रिश्तों के बारे में पूछे गए सवाल पर सनी बोले, इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ावा देने का काम कुछ लोगों ने किया है, इससे जनता को फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि दुनिया भी अब इस लड़ाई से थक गई होगी। कोई नहीं चाहता कि एक भी सोल्जर शहीद हो। जब देश की बात आ जाती है तो आदमी के अंदर जोश आ जाता है, तब आदमी वही करेगा जो होना चाहिए। लेकिन हर आदमी चाहता है कि प्यार से जिए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं है। सनी देओल ने अपनी फिल्मों के मशहूर डायलॉग भी सुनाए। सनी ने कहा, 22 साल पहले जब गदर आई थी तब मुझे लगता था कि वह जीरो जाएगी, लेकिन लोगों का प्यार मिला, फिल्म लोगों के दिलों में बैठ गई, जनता ने ही उसे हिट किया। उसी का प्यार 22 साल बाद गदर 2 के लिए भी देखने को मिला। सनी ने आगे कहा कि लोग इसके डायलॉग को अपने स्टेटस पर लगाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभिनेता ने कहा, मैं इंदौर पहले भी आ चुका हूँ, आज 15 अगस्त के मौके पर महू गया, वहाँ झंडा वंदन किया तो बहुत खुशी मिली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फिल्म अभिनेता सनी देओल और उनके बेटे करण देओल महू के आर्मी इन्फेंट्री म्यूजियम पहुंचे। इस दौरान सनी तारा सिंह के गेटअप में नजर आए। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।